आई एम गौरव सिन्हा एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल अरविंद इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ द बता दिया है। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल के यूज को अगर आप जानते हो लेकिन ओमिशन नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि एग्जामिनेशन में, खासकर सीजीएल मेंस में, आईपीएस के एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वहाँ ओमिशन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चूँकि हम लोग आधा पढ़ लेते हैं और ओमिशन अक्सर बच्चा छोड़ देता है और उसे ज़्यादा मन से नहीं पढ़ता, और आजकल जो हमारे एग्जामिनर हैं एग्जामिनेशंस के, वो काफी ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आते हैं और वहां पे ओमिशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज मैं अपनी क्लास शुरू करता हूं ओमिशन ऑफ आर्टिकल से। आपको एक एक रूल करके मैं सारी बातें बताता हूं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगा और आप जरूर अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए कहोगे। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूं अगर ओमिशन ऑफ आर्टिकल के, तो मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है कि ए एन द इज नॉट यूज्ड बिफोर। बिल्कुल, ओमिशन का अर्थ होता है किसी चीज को हटाना, किसी चीज को रखना ही नहीं, उसे वहां से गायब कर देना। और हम लोग बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल में कि कहां कहां पे हमें ए एंड द का यूज नहीं करना है और इनको सेंटेंस से बाहर करना है। इसमें काफी ज्यादा रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट में अगर आप देखते हो तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान देनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली बात है नाउंस को लेकर। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउंस होते हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर नाउंस हैं, इसके अलावा अगर आप बात करते हो मटेरियल नाउन की जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आता है, और इसके अलावा आप बात अगर करते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स है मैं उसको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, तो मैंने आपसे कहा कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस को आप देखोगे तो मैंने लिखा कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पे दो प्रॉपर नाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे पहले न्यू दिल्ली दिखाई दे रही है और उसके बाद आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। न्यू दिल्ली और इंडिया दोनों प्रॉपर नाउन हैं। दोनों का यूज व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। ये अपने में विशेष होते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपर नाउन कहा जाता है। और आपको ये ध्यान देना है कि आप प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। अब कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होंगे, जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस सेंटेंस को देखेंगे तो कहेंगे, सर क्या न्यू दिल्ली के साथ हमेशा द नहीं लगता? क्या ये कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर आप प्रॉपर नाउन के साथ भी द का यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल किया जा सकता है। मैं इसका एक तरीका आपको बताता हूँ जो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी नाउन को विशेष बना दिया जाए, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि द न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया, तो ये बात फिर सही हो जाएगी। अब आप कहोगे, सर पहले सेंटेंस में आपने इंडिया न्यू दिल्ली लिखा तो आपने फिर यूज नहीं किया आर्टिकल का, अब यहां पर आप आर्टिकल का यूज कर रहे हो तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से हमारी बात समझो। यहां पर मैंने इसे ऑफ से जोड़कर इसे मैंने पजेसिव में ला दिया है। यहां पर मैंने इसे पार्टिकुलर सेंस में यूज किया है। तो जब भी आप उसे विशेष बना दोगे, आप उसे पार्टिकुलर सेंस में यूज करोगे, तो उस कंडीशन में उसके पहले द लग सकता है। यहां पे कहा जा रहा है कि इंडिया का न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली की बात हो रही है, तो चूंकि यहां पर ऑफ से जोड़कर उसे विशेष बनाया गया है, इसलिए यहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। तो आज से आपने एक बात सीख ली कि अगर किन्हीं भी सब्जेक्ट्स को ऑफ से जोड़ दिया जाता है तो वहां पे पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग सारी बातें की जाती हैं, उसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं।
तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां ऑफ का यूज नहीं किया गया है, तो यहां पे हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही यहां इंडिया की न्यू दिल्ली की बात होगी तो यहां पर हम द का यूज करेंगे। और ये यही नहीं, हर जगह यूज हो सकता है, हर जगह आप इस तरह से सेंटेंस में लिखकर द लगा सकते हो। अब आइए बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मिल्क इज Drunk by everyone। अब मैंने यहां पे एक सेंटेंस पैसिव में लिखा है कि हम सबके द्वारा, सभी के द्वारा मिल्क पिया जाता है, दूध पिया जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो चूंकि मिल्क यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, इसे मेजर किया जाता है, ये मटेरियल नाउन में आता है, इस वजह से मिल्क के पहले यहां आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे, आप यहां पर द नहीं लगा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर इसे विशेष कर दिया जाए, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता, तो उस कंडीशन में मैं प्रॉपर ग्लास ऑफ मिल्क की बात कर रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर हम द लगा सकते हैं। लेकिन सामान्य प्रयोग में अगर ऑफ से नहीं जोड़ा गया है या उसे विशेष नहीं बनाया गया है, तो आप किसी भी मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल और अगर हम लेते हैं, तो मैंने कहा कि गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। यहां पे मैंने कहा कि सोना जो है वह एक महंगा धातु है, तो अब यहां आप देखोगे तो यहां पर इसे विशेष नहीं बनाया गया है, गोल्ड मटेरियल नाउन में आता है, इस वजह से यहां पर अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वह द का यूज कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि मटेरियल नाउन के पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं, मतलब ऐसे नाउन्स जिनको टच नहीं किया जा सकता लेकिन फील किया जा सकता है, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर मैं ये कहूं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब मैंने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो यहाँ पर आप देखिए तो ऑनेस्टी हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में दिखाई दे रही है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपको फिर से ये ध्यान देना है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले द नहीं लगाया जाता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, तो यहाँ पर आप फिर से द का यूज नहीं करोगे। ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका यूज हम सीधे सीधे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं, जहां पर एक वस्तु को काउंट किया जा सकता है। यहां पर चूंकि हम उसे तो यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्टी और मिल्क को गिना नहीं जा सकता, हाँ द का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसे काउंट नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें विशेष बनाया गया है। तो आपको सबसे पहली बात, जो कि कॉमन बात है, छोटी बात है, आपको समझना है कि ए एंड द का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स, मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें गिना नहीं जाता है, इन्हें काउंट नहीं किया जाता है, और जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं करते हैं उनके पहले सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात करते हैं अब हम लोग रूल नंबर सेकंड में, कि रूल नंबर सेकंड में किस तरह से हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, किस प्रकार से उनका यूज नहीं होता है। तो आइए बात करेंगे रूल नंबर हम लोग सेकंड में। आपको याद कर रखना है कि हम कहां कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करें। तो सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि आपको फेस्टिवल्स के नेम, जितने भी फेस्टिवल हैं, जितने भी त्यौहार हमारे द्वारा मनाए जाते हैं, उनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सीजन्स की, तो सीजन के साथ, ऋतुओं के साथ भी हम द का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज के साथ, तो लैंग्वेज के साथ भी जो भाषा होती है, द का यूज नहीं किया जाता, ए एन का यूज भी नहीं किया जाता, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करते हैं, तो कलर्स के नेम के साथ भी द का यूज नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, तो जितने भी हमारे सामने सब्जेक्ट दिखाई देते हैं, इन सब के साथ भी आपको आर्टिकल का यूज, ए एन द का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने बात की है फेस्टिवल की, तो मैंने कहा कि होली इज सेलिब्रेटेड,
होली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में होली मनाई जाती है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ होली एक फेस्टिवल का नेम है। होली के पहले आप द का यूज़ नहीं कर सकते, आर्टिकल एन का यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फेस्टिवल्स के नेम के साथ आपको द का यूज़ नहीं करना। ये अपने में विशेष होते हैं, इन्हें विशेष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, आप किसी भी त्यौहार के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं करेंगे। द सेकेंड थिंग इज सीज़न। अगर मैं ये कहूँ कि आई लाइक समर, मुझे गर्मी पसंद है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा आई लाइक समर, यहाँ पर मैंने सीजन की बात की है, इसके पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं लगाया जा सकता है। तो आपको समझना है कि जितने भी सीजन हमारे पास है, समर, विंटर, ऑटम, ये सभी सीजन्स के साथ कभी भी द का यूज हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि आई कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर मैंने दो लैंग्वेज की बात की है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो तो दो लैंग्वेज को लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे कि मैं कह दूँ कि आई कैन स्पीक बोथ द इंग्लिश एंड द हिंदी। नो, आप कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते किनके साथ, तो जो भी लैंग्वेज होते हैं उनके साथ आप द का यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो आपको ग्रामर के रूल के हिसाब से समझने की ज़रूरत है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो वह चीज़ आपको समझनी ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में फेस्टिवल, सीजन या लैंग्वेज, इन तीनों चीज़ों के नाम लिखे हैं और साथ ही साथ इन वर्ड्स का भी यूज किया गया है, मतलब फेस्टिवल, सीजन या लैंग्वेज वर्ड को लिख दिया गया है, तो आप इनके साथ फिर द का यूज करोगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर इसी सेंटेंस में मैं ये लिख दूं कि आई लाइक द समर सीजन, तो चूंकि ये ग्रामर का रूल है, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहां पर चूंकि सीजन लिखा है, सीजन यहां पर लिख दिया है, इसलिए यहां समर के पहले आप द का यूज कर सकते ही नहीं, आपको करना है, यू मस्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो कि अगर यहां पर मैं बोलूं आई लव हिंदी लैंग्वेज, अब मैंने कहा कि मैं हिंदी लैंग्वेज पसंद करता हूँ, मुझे हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ आई लव हिंदी लैंग्वेज गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? क्योंकि लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज लिखा होने के कारण यहाँ पर हिंदी के पहले द का यूज होगा। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी है कि फेस्टिवल, सीजन एंड लैंग्वेज के साथ द नहीं लगता है, लेकिन अगर इन वर्ड्स का यूज कर दिया जाए, सीजन, लैंग्वेज इस तरह की यूज हो जाए, फेस्टिवल वर्ड यूज हो जाए, तो उसके पहले द का यूज आपको करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। तो जितने भी कलर्स आप जानते हैं, उन सभी कलर्स के नेम के पहले द नहीं लगेगा। चाहे से मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि रेड इज माय फेवरेट कलर, अगर मैं ये कहूँ कि लाल मेरा पसंदीदा रंग है, तो यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो आप देखोगे कि रेड एक रंग है, कलर है, और रेड के साथ आप द नहीं यूज करोगे। आइए बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में हम जानते हैं, जैसे मैथ्स है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन सभी सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हो, जैसे किसी ने कहा कि आई एम गुड एट द फिजिक्स, अब यहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, मुझे फिजिक्स अच्छी आती है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है। अब चूंकि यहाँ फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले द नहीं लगाया जाता, तो इस वजह से यहाँ फिजिक्स के पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं भी सब्जेक्ट्स के नाम लिखे होते हैं तो इन्हें हम सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ भी नहीं करते हैं। तो आइए हम बात करेंगे अपने रूल नंबर थर्ड पे, कि थर्ड नंबर रूल्स पे हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है।
अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के मैं कई बातें आपको और बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर थर्ड की, और रूल नंबर थर्ड में आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल का यूज और कहां नहीं होता। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे जो हॉबीज होती हैं, हमारी जो आदतें होती हैं, या हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हो, उनके पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जितने भी डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों के साथ भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हॉबीज़ डिजीज़ के साथ साथ आप जितने भी गेम्स देखते हो या आप जिन्हें स्पोर्ट्स कहते हो, इन सब के साथ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप सेंटेंस के रूप में एग्जांपल देखते हो तो मैंने कहा कि सिंगिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिंगिंग मेरी हॉबी है, तो यहाँ सिंगिंग को हमने यूज़ किया है जो कि हॉबी के रूप में दिखाई दे रही है। तो आपकी कोई भी हॉबी हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे राइटिंग हो, डांसिंग हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आपकी हॉबीज़ होंगी, उन सभी हॉबीज़ के पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे उनको लिखने का काम करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात आपने रूल नंबर थर्ड में सीखा कि हम कभी भी अपने हॉबीज़ को बताते हैं तो कभी द नहीं लगाते। जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि आई लाइक द सिंग, नो आई लाइक सिंगिंग, ठीक है। डिजीज़ की बात अगर हम करते हैं, जैसे किसी ने टाइफाइड की बात की, अब आप टाइफाइड की बात करो, आप कॉलरा की बात करो, आप डायबिटीज़ की बात करो, एनीथिंग एल्स कुछ भी आप कहो, आप जितने भी बीमारी होते हैं उन बीमारियों के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं करोगे। हाँ, अगर आप उसको पार्टिकुलर कर देते हो, जो मैंने पहले भी बताया, जैसे मैंने कहा कि द लास्ट ईयर ऑफ इंसेफ्लाइटिस, लास्ट ईयर का इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु किया उसने, तो इस तरह की अगर आप बात करते हो कि लास्ट ईयर ऑफ इंसेफ्लाइटिस, तो आप वहाँ पर पिछले साल की इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे हो। अब पिछले साल की इंसेफ्लाइटिस की बात करोगे तो फिर आपने उसे विशेष बना दिया, और जब विशेष बना दोगे तो वहाँ पर फिर आर्टिकल द का यूज़ होगा। लेकिन अगर आप उसे समान शब्द में यूज़ करते हो, तो जैसे मैंने कहा कैंसर इज़ अ फैटल डिजीज़, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, तो यहाँ कैंसर के पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, तो जितने भी गेम्स हम लोग पसंद करते हैं या देखते हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कोई भी खेल हो, इन सभी खेलों के साथ के नाम के साथ आप कभी भी द का यूज़ नहीं करोगे, आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करोगे। जैसे अगर मैंने कहा कि क्रिकेट इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, भारत में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक खेल का नाम दिया गया है, यहाँ पर इसे विशेष नहीं बनाने की ज़रूरत है, ये अपने में एक विशेष खेल है, इसलिए इसके पहले द का यूज़ नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप इसे विशेष बना देते हो, पार्टिकुलर कर देते हो, जैसे मैंने कहा कि द क्रिकेट ऑफ पंजाब, यहाँ पर आप पंजाब की क्रिकेट की अगर बात करोगे कि पंजाब में जो क्रिकेट है वो अच्छी हालत में है या बुरी हालत में है, तो यहाँ पे आपने इसे ऑफ से जोड़ दिया। ये बात हमेशा लागू होगी कि अगर आप किसी भी चीज़ को विशेष कर दोगे, आप अपने तरफ से उसे पार्टिकुलराइज करोगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ द लगेगा। लेकिन सामान्य अर्थ में हम कभी भी इस तरह के केसेस में जहां ऑफ का यूज़ नहीं हुआ है, वहां हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस के लिखने के तरीके अलग हैं, जब तरीके बदल जाएंगे तो वहाँ आर्टिकल का यूज़ बदलेगा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जो मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमें एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग देती हैं। अब आप चलते हैं यहाँ पर अगले रूल के बारे में, अब हम बात करेंगे रूल नंबर फोर के बारे में। तो आइए बात करते हैं रूल नंबर फोर में आपको क्या क्या चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब यो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप बात करते हो रूल नंबर फोर्थ पे, तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जितने भी नेम्स ऑफ मील्स होते हैं, अगर आप मील्स की बात करो, भोजन की बात करो, तो जैसे सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, दोपहर के समय में किए गए भोजन को लंच कहा जाता है, रात के समय में किए गए भोजन को डिनर कहते हैं, और एक वर्ड आता है सपर।
तो आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है, डिनर और सपर जो हैं वो दोनों रात्रि के भोजन को ही कहते हैं। एक्चुअली डिनर को दावत के अर्थ में भी देखा जाता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए रात का बाहर जाता है खाने के लिए, जैसे किसी शादी विवाह में या किसी भी इनविटेशन आने पर अगर व्यक्ति अपना भोजन रात का कहीं बाहर जाके करता है, अपने घर पे नहीं करता, तो हम उसे डिनर कहते हैं। इसे हिंदी में दावत के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं दावत बाहर के भोजन को ही कहा जाएगा, लेकिन अपने घर पे जो हम रात्रि में भोजन करते हैं उसे सपर के नाम से जाना जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स में आपको जानना चाहिए, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने बता दिया कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर जो भी हमारे मील्स हैं, इन मील्स के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल, जैसे मैंने कहा कि वी टेक लंच इन द आफ्टरनून, हम लोग दोपहर में लंच करते हैं। अब यहां पर आप देखो तो ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहां पर एक सामान्य अर्थ में बात की गई है, जनरल सेंस में बात की गई है। तो जब जनरल सेंस में हम बात करेंगे और विशेष नहीं बनाया जाएगा मील्स को, तो उस कंडीशन में इसके पहले द लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये सेंटेंस अपने में 100% करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इसे इस तरह से यूज करते हो कि द डिनर ऑफ लास्ट नाइट वॉज वेरी डिलीशियस, अब यहां पे आप कह रहे हो कि कल रात जो मैंने डिनर किया था, ये जो कल रात का डिनर था वो बहुत ज्यादा डिलीशियस था, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। अब यहां पर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में आपने लास्ट नाइट के डिनर की बात की है, आपने यहां सेंटेंस में इसे पार्टिकुलर कर देने का काम किया है। तो जैसे ही आपने इसे ऑफ से जोड़ दिया, इसे विशेष बना दिया, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे द का यूज कर सकते हो। तो वही बात मैं फिर से कहूँगा कि इन जनरल सेंस देयर नो नीड टू यूज एनी टाइप ऑफ आर्टिकल बिफोर मील्स, लेकिन अगर उसे विशेष बना दिया जाए, उसका विशेष अर्थ में यूज किया जाए कि भाई आज सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, तो जब आप इस तरह से बात करोगे, एक विशेष ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर की बात करोगे, तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल का यूज करोगे। लेकिन सामान्य अर्थ में आप कभी भी मील्स के साथ आप कभी भी द का यूज नहीं करोगे। देखते हैं रूल नंबर 6 को, कि 6 में हम किस प्रकार से आर्टिकल के यूज को समझेंगे, कि हमें इनके साथ क्यों आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहां पर आपके सामने कुछ नाउन्स लिख रखे हैं ताकि आपका समय बच सके। यहां मैंने लिखा है लव, लाइफ, साइंस, डेथ, नेचर, मैन, वुमेन, आर्ट एंड पार्लियामेंट। ये विशेष वो नाउन्स हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर आप देखो तो यहां पर आप इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। देखिए यहां रीजन ये है कि जय कहा जाता है कि व्हेन दीज नाउन्स आर यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, जब इन सब का यूज वाइडेस्ट सेंस में होता है, वाइडेस्ट सेंस का मतलब ये हुआ कि जब ये वर्ड अपने में संपूर्ण को एक साथ ला देते हैं, कहने का अर्थ ये कि अपने में पूर्ण को बताते हैं, पूरे को बताते हैं, तो उस कंडीशन में इनके साथ आर्टिकल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आप लोग कई तरह के सेंटेंसेज अपने लाइफ में सुनते हो, मैं कुछ सेंटेंसेज यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ। जैसे पहले नंबर पर मैंने कहा कि लव इज इमॉर्टल, अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे हर तरह के प्रेम की बात की गई है, चाहे वो गुरुओं से हो, माता पिता से हो, दोस्तों से हो, हर तरह की प्रेम की बात कही गई है कि लव इज इमॉर्टल। घर में, परिवार में जो लोग हमारे गुजर भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, उनके प्रति भी हमारा प्रेम जो है वो बना रहता है, क्योंकि यह चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, यह अमर होती है। तो चूंकि इसका सेंस आपने वाइडेस्ट सेंस में लिया है, सभी तरह के लव को इसमें शामिल किया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस को इसी तरह से देखो तो हम लोग पढ़ते हैं, कई जगह लिखा होता है कि लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। अब यहाँ भी आप देखो
तो जीवन सभी प्रकार के जीवन को, सभी जीवन को कहा गया है कि वह एक संघर्ष है, पूरा जीवन ही एक संघर्ष है। तो चूंकि इसका सेंस पूरे उसमें लिया गया, इसलिए आप इसके पहले आर्टिकल द का या आ का यूज नहीं करोगे। अगर हम थर्ड की, आपने देखा थर्ड एग्जाम्पल को, तो मैंने कहा कि वुमेन इज द अनदर नेम ऑफ सैक्रिफाइस। अब यहां देखो लिखा है कि वुमेन इज द अनदर नेम ऑफ सैक्रिफाइस, जो एक महिला होती है वो समर्पण की या त्याग की एक दूसरा नाम होती है, सेक्रीफाइस पूरे जीवन भर करती है। यहाँ सभी महिलाओं की बात की गई है और सभी महिलाओं के अलग अलग त्याग को बताया गया है। तो चूंकि यहाँ पर पूरे महिलाओं की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर आप समझोगे कि यहाँ वाइडेस्ट सेंस है, सबसे बड़ा सेंस है यहाँ पर, इसलिए इसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करोगे और केवल आप वुमेन लिखने का काम करोगे। तो आज से आपको ये याद रखना है, अपने नोटबुक में ध्यान रखना है, लिखना है आपको कि आप सभी नाउंस के साथ कभी भी द नहीं लगाओगे, क्योंकि ये अपने में वाइडेस्ट सेंस देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हो रूल नंबर 7 की, तो आइए देख लेते हैं कि रूल नंबर 7 क्या कह रहा है और किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए समझने की बात यह है रूल नंबर 7 में कि अगर आप कभी भी कहीं पर जाते हो प्राइमरी पर्पज से, काफी इंपॉर्टेंट रूल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जब भी आप इस चीज को ध्यान रखो कि जब भी आप कहीं प्राइमरी पर्पज से जाते हो, तो उन जगहों के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब प्राइमरी पर्पस के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पहले हम इसे देखते हैं। जैसे कहीं पे भी अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो, अब स्टडी के लिए चाहे आप स्कूल जाओ, अगर कॉलेज की बात करते हो, यूनिवर्सिटी की बात करते हो, तो इन सभी के साथ आप कभी भी आर्टिकल नहीं लगाओगे अगर इनका यूज़ प्राइमरी पर्पस के रूप में किया जा रहा है, उनके पहले उद्देश्य के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो इसके अलावा अगर आप जजमेंट के रूप से कहीं जा रहे हो, या इम्प्रीजन लिख लो आप, इसके लिए ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि अगर आप कभी भी इम्प्रीजनमेंट की बात करते हो, अगर किसी को कारावास हो गया है, इम्प्रीजनमेंट की हिंदी होती है कारावास, और उस व्यक्ति को जेल ले जाया जा रहा है या कोर्ट ले जाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी चूंकि यह प्राइमरी पर्पज़ होगा, आप इनके साथ आर्टिकल नहीं लाओगे। तीसरी चीज़ अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के साथ, ट्रीटमेंट कहाँ होगा, तो ट्रीटमेंट होगा क्लिनिक में, ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल में, तो इनके साथ भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करने वाले हो। फोर्थ थिंग की अगर बात की जाती है, तो जहां पर आप देखोगे अपने स्टडी देखा, इम्प्रिजनमेंट देखा, ट्रीटमेंट देखा, इसके अलावा अगर व्यक्ति कहीं पे वर्शिप करने के लिए जा रहा है, प्रार्थना करने के लिए जा रहा है, जैसे चर्च जाएगा, टेम्पल जाएगा, मॉस्क्यू जाएगा, तो इस तरह की जगहों पे अगर आप देखोगे, चाहे गुरुद्वारा आप इसमें ऐड कर लो, तो आप देखोगे कि ये सभी जगहों पे आदमी प्राइमरी पर्पस से जाता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे मार्केट को भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछता है। इन जगहों पर अगर व्यक्ति प्राइमरी पर्पस से जाता है, अगर प्राथमिक उद्देश्य से जाता है, जैसे एक बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके माँ बाप स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर वो फीस जमा करने या वहाँ के टीचर से मिलने जाते हैं, तो जब बच्चा स्कूल जाएगा, तो वहाँ पे वो प्राइमरी पर्पस से जा रहा है, पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा है, तो बच्चे के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर पेरेंट्स जाते हैं फीस जमा करने, या किसी अन्य कारण से जाते हैं, किसी कंप्लेन को लेकर जाते हैं, तो उस कंडीशन में द का यूज होगा, क्योंकि फादर वहां पे या मदर वहां पे सेकेंडरी पर्पस से जा रहे हैं, ना कि प्राइमरी पर्पस से। यहाँ प्राइमरी पर्पस हमारा केवल स्टडी है। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और आप जाते हो, तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन अगर कॉलेज जाएंगे, तो उस कंडीशन द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रिजनमेंट की बात। कोई भी व्यक्ति अगर गिल्टी पाया जाता है या एक्यूज्ड होता है, आरोपी या दोषी होता है, तो उसे जेल या कोर्ट भेजा जाता है। जब वो जेल जाएगा, तो वहां पे वो कारावास के लिए जा रहा है, उसे सजा मिली है,
तो ये प्राइमरी पर्पस है, और प्राइमरी पर्पस होने के कारण आप इनके साथ द नहीं लगाओगे। लेकिन अगर उसके रिलेटिव, उसके घर वाले उससे मिलने के लिए जेल या कोर्ट जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, उसकी सहायता करने के लिए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप आर्टिकल द लगाओगे, क्योंकि फैमिली जो है वो इंप्रिजनमेंट में नहीं जा रही, बल्कि वो व्यक्ति केवल जा रहा है। तो फैमिली के साथ आप आर्टिकल द लगाओगे, उस व्यक्ति के साथ, उस आरोपी दोषी के साथ आप नहीं लगाओगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को क्लिनिक या हॉस्पिटल इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को देखने जा रहे हो, उसको मिलने जा रहे हो, उसका हालचाल लेने जा रहे हो, तो आर्टिकल द का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, मैं एक हॉस्पिटल गया था अपने दोस्त से मिलने के लिए। अब मैंने क्या कहा कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैंने यहाँ पे सेंटेंस में क्या यूज किया कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आप देखो तो मैंने कहा आई वेंट टू द हॉस्पिटल, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खुद बीमार नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, वह व्यक्ति बीमार है। अगर इस व्यक्ति की बात होती तो आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन चूंकि मैं अपने दोस्त से मिलने वहाँ पर गया हूँ, इसलिए वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होगा। तो प्राइमरी पर्पज़ में नहीं करेंगे, सेकेंडरी पर्पज़ में करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं वर्शिप की, पूजा पाठ की अगर हम बात करते हैं, मंदिर मस्जिद जाने का उद्देश्य प्राइमरी होता है वहाँ पे वर्शिप करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। अगर एक महिला यह कहती है कि आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, यहाँ पे कहने का अर्थ ये हुआ कि वो महिला यह कह रही है कि वह रोज़ पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाती है। या एक व्यक्ति कहता है कि मैं रोज़ मस्जिद जाता हूँ, इसका मतलब कि वो नमाज़ अदा करने के लिए वो मस्जिद जाने का काम करता है। अब आप कहो कि सर मंदिर मस्जिद में दूसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति का विवाह मंदिर में कराया जा रहा है, या फिर आप किसी मस्जिद में कोई विवाह देख रहे हो, चर्च में देख रहे हो, गुरुद्वारा में देख रहे हो, तो वो प्राइमरी पर्पस नहीं है। अगर आप किसी वेडिंग पार्टी को अटेंड करने के लिए मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, तो प्राइमरी पर्पस नहीं हो सकता। अगर आप मेला देखने के लिए कहीं मंदिर जा रहे हो, तो प्राइमरी पर्पस नहीं हो सकता। तो मंदिर मस्जिद भी अगर किसी अन्य कारण से जाया जाए, तो उसके साथ आर्टिकल द लगेगा, लेकिन सामान्य अर्थ में प्राइमरी पर्पस में आप उसके साथ द का यूज़ नहीं करोगे। इसके अलावा मार्केट भी व्यक्ति प्राइमरी पर्पस से जाता है, कुछ ना कुछ परचेस करने जाता है, इस वजह से मार्केट के साथ भी हम लोग द का यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू मार्केट, ना कि आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ये चार ऐसी जगहें हैं जहां प्राइमरी पर्पस से जाने पे आर्टिकल नहीं लगता है, जबकि सेकेंडरी पर्पस से जाने पे वहां पे आर्टिकल का यूज। तो ये फ्रेंड्स बात करते हैं रूल नंबर 8 की, जहां पर मैंने लिखा कि आप ए एंड द का यूज़ नहीं करोगे बिफोर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस लिखता हूं कि ही वेंट देयर बाई अ कार। अब फ्रेंड्स, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कभी भी कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिखाई देता है, MOT का मतलब मान के चलते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ बाई प्रेपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कभी भी बाई प्रेपोजिशन के साथ आपको कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर आपको कार दिखाई दे, इसी प्रकार से ऑटो की बात अगर करते हैं, ट्रेन की बात करते हैं, बस की बात करते हैं, अगर बाई के साथ दिखाई दे, तो आपको बीच में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बल्कि बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस का यूज़ करना है। ऐसे मैंने कहा कि माई अंकल इज़ कमिंग फ्रॉम मुंबई बाई बस, तो बाई द बस नहीं होगा, केवल बाई बस होगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपने एक चीज़ को समझा कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ आप द का यूज़ नहीं करोगे। हाँ, आपको एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर यह लिखा हुआ है कि ही इज सिटिंग इन अ कार, वह एक कार में बैठा है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ बाई का यूज़ नहीं हुआ, बल्कि कह रहा है कि वह कार में नहीं, बल्कि वह एक कार में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर चूंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कार को हम कॉमन नाउन मानेंगे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल अ का यूज़ होगा।
पूरी तरह से यह बात सही है। तो यह चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाई दिखाई दे, उसी केस में आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर उसके साथ इन या ऑन दिया हुआ है तो आप बीच में आर्टिकल का प्रयोग जरूर करोगे, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का आना ज़रूरी है और आप ऐसा करने का काम भी करोगे। हाँ, बाई अगर दिया हो तो उस कंडीशन में ऐसा आप नहीं करोगे, ऐसा किया नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की, अगर रूल नंबर 9 की बात करते हैं तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। रूल नंबर 9 में आपको यह समझना है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो कि जितने भी पोस्ट होते हैं उन पोस्ट के साथ आर्टिकल का यूज होता है। जैसे मैनेजर के पहले अगर आप बात करते हो, क्लर्क के पहले आप बात करते हो, हेडमास्टर की बात करते हो, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उन्हीं पदों के साथ अपॉइंट, मेड, इलेक्ट, सेलेक्ट और चूज शब्द अगर आ गया है तो आपको उस कंडीशन में आर्टिकल का यूज नहीं करना। आप सीधे सीधे यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पे नाउन जो कि एक पोस्ट हो जाएगा, आप बीच में आर्टिकल का, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप इन्हें समझ लो कि आप कभी भी अपॉइंट के साथ, मेड के साथ, इलेक्ट के साथ, सेलेक्ट के साथ और चूज के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज आप पोस्ट के साथ नहीं करने वाले हो। जैसे मैंने कहा कि ही वॉज इलेक्टेड एन एमपी, उसे एक एमपी चुना गया। अब कोई भी स्टूडेंट इसको देखेगा तो कहेगा बिल्कुल सही सेंटेंस है क्योंकि लिखा है कि उसे एक एमपी चुना गया। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये सेंटेंस गलत है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये पांच तरह के वर्ब नहीं आने चाहिए। तो यहाँ जैसे ही आपने इलेक्टेड देखा, जो कि मैंने यहाँ पर इलेक्ट रूप में लिख रखा है, तो आप बीच में आर्टिकल का यूज नहीं करोगे और केवल कहोगे कि ही वॉज इलेक्टेड एमपी, नॉट ही वॉज इलेक्टेड एन एमपी। इसके अलावा अगर आप फिर से देखो तो ही वॉज मेड अ किंग, उसे एक राजा बनाया गया, तो ये सेंटेंस भी गलत है। यहाँ पे सही आप इसे तब करोगे जब आप यहाँ पे किंग के पहले आर्टिकल को हटाओगे और केवल ये लिखोगे कि ही वॉज मेड किंग, उसे राजा बनाया गया। तो आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी भी पोस्ट के साथ इस तरह के वर्ब्स यूज हों तो उस कंडीशन में हम इनके पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग देखते हैं रूल नंबर 10 को। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनको ग्रामर ने काउंटेबल माना है और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसे ग्रामर ने अनकाउंटेबल माना है। अगर ग्रामर ने उसे अनकाउंटेबल मान लिया तो इस कंडीशन में होता ये है कि हम इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन उससे रिलेटेड वर्ड ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें काउंटेबल माना गया है और चूंकि काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसलिए इस कंडीशन में हम उसके साथ आर्टिकल का यूज़ करेंगे और वह बिल्कुल सही भी होगा। ऊपर मैंने कुछ ऐसे नाउन लिख रखे हैं जो कि अनकाउंटेबल माने जाते हैं, सो इनके साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ये नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि हेल्थ, होमवर्क, वर्क, पेपर, मर्सी, न्यूज़, पे, सेफ्टी, सोप, ट्रैवल और वेदर हैं। इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको ग्रामर ने काउंटेबल माना है, जैसे आंसर, बोर्ड, सैलरी, जर्नी, क्लाइमेट, पेपर, हॉलीडे, आवर, लेसन, रेस्ट और सिटी। इन सभी नाउन्स को काउंटेबल माना गया है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसे कहते हो कि इट वॉज अ बैड वेदर, अगर आप इस तरह से सेंटेंस में यूज करते हो कि इट वॉज अ बैड वेदर, तो यहां पर आप देखोगे कि आपने वेदर का यूज किया। अब चूंकि ग्रामर ने इसे अनकाउंटेबल माना है तो आप यहां आर्टिकल नहीं लगा सकते। आप कहोगे इट वॉज बैड वेदर, मौसम खराब था। अब यहीं पर अगर आप क्लाइमेट का यूज कर देते हो, इट वॉज अ बैड क्लाइमेट, अब यहां पर जैसे ही आपने वेदर के जगह पे क्लाइमेट का यूज किया, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही हो जाएगा और आर्टिकल का यूज भी सही माना जाएगा। इसी तरह किसी ने कहा कि ही गेव मी अ वर्क टू डू,
ही गेव मी अ वर्क टू डू गलत है, ही गेव मी वर्क टू डू। यहाँ पे वर्क को अनकाउंटेबल माना गया है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से अगर यहाँ नीचे देखा जाए कुछ एग्जाम्पल्स को, दे गेव मी अ गुड सैलरी, तो यहाँ पर अ गुड सैलरी बिल्कुल सही माना जाएगा। उसी प्रकार से अ सिटी का यूज हम करते हैं, टेक अ रेस्ट का यूज होता है, अ क्लाइमेट मैंने आपको बताया, गिव मी अ पेपर की बात करते हैं आप लोग, अ हॉलीडे, ठीक है। उसी प्रकार से अ बोट का भी यूज करते हैं, तो इन्हें चूंकि काउंटेबल माना गया है तो इनके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जो कि सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ख़त्म किया आर्टिकल चैप्टर को, जहां पर मैंने आपको सभी तरह के रूल्स बता दिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल संबंधित। इसके बाहर कोई रूल नहीं है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप केवल इन रूल्स के माध्यम से ही एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हो, आपको ओमिशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ, तब तक अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने को भी कहना। फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।